नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण में अगर आस्था रखते हैं और अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का त्योहार, उनका जन्मोत्सव जन्माष्टमी आने वाला है। श्री कृष्ण के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी 2020 की तारीख को लेकर कई मत है, जिसके अनुसार कुछ ज्योतिषी ये मानते हैं कि जन्माष्टमी 11 अगस्त यानी मंगलवार की है। बाकी अन्य ज्योतिषी का कहना है कि जन्माष्टमी 12 अगस्त को है। हालांकि 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और साथ ही साथ श्री कृष्ण के जन्म स्थानों पर जैसे कि मथुरा और द्वारका में भी 12 अगस्त को ही श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो आपको भी 12 अगस्त का दिन चयन करना चाहिए और 12 अगस्त के दिन आपको ये त्योहार मनाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी से पहले ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में ले आनी चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको आपके जीवन में मिले। अगर आप जन्माष्टमी के मौके पर चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर में आकर रहे, आपके घर में बाल स्वरूप में विराजमान हो और आपको सारे सुख और संपदा मिले, तो आपको इन चीजों को जन्माष्टमी से पहले या जन्माष्टमी के दिन घर में जरूर ले आना चाहिए। दोस्तों, कान्हा जी का जन्म सारी दुनिया में परंपरागत रूप से मनाया जाता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको कौन सी चीज घर में लेकर आनी है ताकि आपके घर को धन संपदा समृद्धि और सफलता मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बांसुरी। कान्हा जी को सबसे ज्यादा प्रिय चीजों में से एक है बांसुरी। तो आपको चांदी की या बांस की लकड़ी की या जैसी भी आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी क्षमता अनुसार आप चाहते हैं, वैसी एक बांसुरी जरूर ले आए और ला करके घर में श्री कृष्ण को चढ़ाएं। और जब आपकी पूजा सफल हो जाए तो उसे अपनी तिजोरी में रख दें ताकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। दोस्तों, माखन मिश्री के बिना तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो बनाया ही नहीं जा सकता। तो आपको जन्माष्टमी से पहले ही इसका प्रबंध कर लेना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के पहले माखन मिश्री का आपको अपने घर में प्रबंध कर लेना है और कान्हा जी को भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट दें ताकि कान्हा जी की भक्ति और कान्हा जी की शक्ति आपको देखने को मिले और कान्हा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों, अगली चीज है झूला। क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के बाल रूप को पूजा जाता है, उनके बाल जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो आपको इस दिन छोटा सा झूला जरूर लेकर आना चाहिए और उस झूले के अंदर कान्हा जी के बाल रूप को बिठाएं और जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला झुलाने वाला साक्षात धनी होता है। इसी के साथ जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन्हें संतान सुख चाहिए, तो जन्माष्टमी के दिन ऐसी मान्यता है कि झूले के अंदर लड्डू गोपाल जी को बिठाकर जो कान्हा जन्म के समय झूला झुलाता है तो उसे निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस तरह आपको अगली चीज जो लेकर आनी है वो है राखी। श्री कान्हा जी और बलराम जी को राखी यानी रक्षा सूत्र बांधे और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी चाहते हैं वो आपको कहनी है। बलराम जी और कान्हा जी निश्चित तौर पर आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे क्योंकि वो आपकी इच्छा को गांठ बांध लेते हैं और निश्चित तौर पर आपको राखी इसलिए जरूर लेकर के आनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है तुलसी। कान्हा पूजन में तुलसी तो जरूर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी अर्पित की जाती है, उनके चरणों में तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं, उनका जो प्रसाद बनाया जाता है माखन मिश्री का उसमें भी तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, उनका जो दीपक लगाया जाता है उसमें भी तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। इसलिए तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको कान्हा जन्माष्टमी से पहले अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगा लेना चाहिए। कान्हा जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति तुलसी का पौधा घर में लेकर आता है, उसे स्थापित करता है, उसे वास्तव में कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आपको जरूर तुलसी का पौधा अपने घर में कान्हा जन्माष्टमी के दिन लेकर के आना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शंख। जन्माष्टमी के दिन शंख के अंदर दूध डालकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और इसी के साथ कान्हा
जी की पूजा करते समय आपको शंख की मधुर ध्वनि कान्हा जी को सुनानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के जन्म के बाद शंख में दूध डालकर भगवान श्री कृष्ण का जल अभिषेक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कान्हा जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फल और अनाज। जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज का दान करना चाहिए, लेकिन पहले आपको क्या करना चाहिए कि वो फल और अनाज आप श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, श्री कृष्ण की पूजा करें और पूजा करने के बाद इस फल और अनाज का आप भोग लगाएं और उसके बाद इसे जरूरतमंदों में बांट दें। अगली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गाय और बछड़ा। गाय और बछड़े की प्रतिमा जन्माष्टमी के दिन लाने से आपके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि कान्हा जी को गोपाल कहा जाता है। साक्षात गाय को पालने वाले गोपाल की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ ही कान्हा जी का पूरा बचपन गाय के साथ बछड़ों के साथ बीता है, और जब वो वन में जाते थे तब भी वो गाय को चराते थे। गाय के साथ उनका एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है, तो जन्माष्टमी के दिन आपको छोटी गाय और बछड़े की एक प्रतिमा जरूर लेकर के आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। आपकी धन और संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको तेजस्वी लाभ मिलेगा। तो आपको गाय और बछड़े की प्रतिमा जन्माष्टमी के मौके पर जरूर लेकर के आनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।